मित्रों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं भगवान शंकर के बारे में फैलाए गए कुछ ऐसे झूठ जिनको आज भी लोग फैला रहे हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम इन्हीं सभी झूठों को प्रकट करेंगे और आपको बताएंगे इनके पीछे का असली सच। एक बार सच्चे मन से अवश्य लिखिएगा, हर हर महादेव। भगवान शंकर को सदाशिव के कारण शिव भी कहा जाता है। भगवान शंकर के बारे में कुछ इस तरह की भ्रांतियां फैलाई जाती हैं जो अपमानजनक हैं। आइए जानते हैं कि समाज में कौन कौन से झूठ फैलाए रहे हैं। सबसे पहला झूठ तो यह है कि शिवलिंग एक शारीरिक अंग है, लेकिन वास्तव में आखिर शिवलिंग है क्या? मित्रों, यह दुख की बात है कि बहुत से लोग कालांतर में शिवलिंग के गलत चित्र भी सोशल मीडिया पर पोस्ट करते रहते हैं और उसके बारे में अलग अलग प्रकार की टिप्पणियां करते हैं, लेकिन इसके पीछे का सच यह है कि शिवलिंग का अर्थ है भगवान शिव का आदि अनादि स्वरूप, शून्य, आकाश, अनंत ब्रह्मांड और निराकार परम पुरुष का प्रतीक। जिस तरह भगवान विष्णु का प्रतीक चिन्ह शालिग्राम है, उसी तरह भगवान शंकर का प्रतीक चिन्ह शिवलिंग है। इस पिंड की आकृति हमारी आत्मा की ज्योति की तरह होती है। साथ ही साथ आज के मॉडर्न साइंस के वैज्ञानिक यह मानते हैं कि शिवलिंग एक न्यूक्लियर रिएक्टर है। इसके अलावा कहते हैं कि इसी के अंदर संपूर्ण ब्रह्मांड समाया हुआ है। अगला झूठ जो आजकल ज्यादातर युवा फैलाते हैं वह यह है कि भगवान शिव भांग और गांजा पीते हैं। मित्रों, शिव पुराण सहित किसी भी ग्रंथ में ऐसा नहीं लिखा गया कि भगवान शिव शंकर भांग, गांजा इत्यादि का सेवन करते हैं। बहुत से लोगों ने भगवान शंकर के ऐसे चित्र भी बना दिए हैं और सोशल मीडिया पर हर जगह पोस्ट करते हैं जहां भगवान शिव चिलम पीते हुए नजर आते हैं। यह भगवान शंकर का अपमान करने जैसा है। यह भगवान शंकर की छवि को खराब करने जैसा है। दरअसल मित्रों, इसके पीछे का सच यह है कि जब समुद्र मंथन के समय विष और अमृत के दो कलश निकले थे, तो उसमें अमृत बाद में निकला, पहले विष निकला। सभी डर गए कि यह विष फैल गया तो कोई नहीं बच पाएगा। ऐसे में यह विष पीने का दायित्व भगवान शिव शंकर ने उठाया और उस विष को अपने कंठ में ही धारण कर लिया, जिसकी वजह से उन्हें नीलकंठ भी कहा जाता है। कभी कभार उन्हें तेज पीड़ा उत्पन्न होती थी, तब वह गले पर चंदन या फिर उस जलन को शांत करने के लिए भांग का सेवन करते थे ताकि उनके गले में शीतलता बनी रहे। एक झूठ और सवाल ये है कि आजकल लोग पूछते हैं कि भगवान शंकर को नहीं मालूम था कि गणेश शिव पार्वती के पुत्र हैं, फिर अनजाने में उनकी गर्दन काट दी, ऐसा क्यों किया? फिर जब उन्हें मालूम पड़ा तो उन्होंने उस पर हाथी का सिर जोड़ दिया। जब शिवजी यह नहीं जान सके कि उनका पुत्र कौन है, तो फिर उन्हें भगवान क्यों कहा जाता है? तो मित्रों, इसे जानने के लिए हमें भगवान शिव के संपूर्ण चरित्र को जानना जरूरी है। भगवान शिव शंकर जो भी करते हैं उसे लीला कहा जाता है। लीला उसे कहते हैं जिसमें उन्हें सब कुछ मालूम रहता है, फिर भी भगवान अनजान बनकर जीवन के इस खेल को सामान्य मानव की तरह खेलते हैं। लीला का अर्थ नाटक या कहानी नहीं है, यह ऐसा घटनाक्रम होता है जिसकी रचना स्वयं प्रभु ही करते हैं और फिर उसमें खुद भी सम्मिलित होते हैं। वे अपने भविष्य के घटनाक्रमों को खुद ही संचालित करते हैं। दरअसल भविष्य में होने वाली घटनाओं को अपनी तरह से घटवाने की कला ही लीला है। यदि भगवान शिव ऐसा नहीं करते तो आज श्री गणेश प्रथम पूजनीय देव न होते और उनकी गणना देवों में भी नहीं की जाती। उदाहरण के तौर पर जिस तरह भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तुम किसी को नहीं मार रहे हो, ये सब तो पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं, अब तो बस यह एक खेल चल रहा है। बर्बरीक से जब महाभारत का वर्णन पूछा गया तो उसने कहा कि मैंने तो दोनों ही तरफ सिर्फ कृष्ण योद्धाओं को ही मरते हुए देखा। यही तो है असली लीला। एक और खास सवाल, आजकल बहुत सारे लोगों का यह मतभेद रहता है कि शिव पार्वती ही आदम और ईव है। तो आपको बता दें कि आदम और ईव के पुत्रों का जन्म सांसारिक गतिविधियों से हुआ। मित्रों, हम सभी जानते हैं कि भगवान शिव पार्वती के विवाह के पश्चात भगवान शिव और पार्वती के दो पुत्र कार्तिकेय और श्री गणेश जी की उत्पत्ति कैसे हुई थी। इसी से पता चल जाता है कि भगवान शिव और माता पार्वती आदम और ईव नहीं है। अब एक बड़ा सवाल जो कि बहुत रोचक भी है कि क्या भगवान शिव ही शंकर, महेश, रुद्र, महाकाल और भैरव इत्यादि हैं? तो चलिए मित्रों, इसका उत्तर भी हम आपको दे देते हैं। पहली बात तो यह है कि हिंदू धर्म का संबंध वेदों से है। त्रिवेदों में से एक महेश को ही भगवान शिव शंकर कहा जाता है। वेदों में रुद्रों का जिक्र है। सभी की कहानियों को पुराणों में विस्तार से बताया गया है और सभी को एक ही शिव से जोड़ देने की भ्रांतियों को विस्तार से समझाया गया है। कई लोग शिव और शंकर को एक ही समझते हैं। असल में दोनों की प्रतिमाएं अलग अलग देखी जाती हैं। शंकर को हमेशा तपस्वी रूप में देखा जाता है और कई जगह शंकर को शिवलिंग का ध्यान करते हुए दिखा
दिखाया गया है। शिव ने सृष्टि के स्थापना, पालन और विलय के लिए क्रमशः ब्रह्मा, विष्णु और महेश नामक सूक्ष्म देवताओं की रचना की। इस तरह शिव ब्रह्मांड के रचयिता हुए और शंकर उनकी एक रचना। भगवान शिव को इसलिए महादेव भी कहा जाता है। इसके अलावा शिव को 108 दूसरे नामों से भी पुकारा जाता है और उनका पूजन किया जाता है। मित्रों, भगवान शिव का एक रूप अर्ध नारीश्वर भी है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि शिव आधे पुरुष है या उनमें संपूर्णता नहीं है, बल्कि वे शिव ही है जो आधे होते हुए भी पूरे है। इस सृष्टि के आधार और रचयिता यानी स्त्री और पुरुष शिव शक्ति के ही स्वरूप है, जिनसे यह सृष्टि संचालित और संतुलित है। दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। नारी प्रकृति है और नर पुरुष। शिव शक्ति के बिना और शक्ति शिव के बिना कुछ भी नहीं है। अर्ध नारीश्वर शिव इसी शक्ति के प्रतीक है। यह रूप इस बात को दर्शाता है कि शिव जब शक्ति युक्त होता है तभी वह संपूर्ण होता है। शक्ति के अभाव में शिव केवल शव रह जाता है। मित्रों, आशा करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। हमें सपोर्ट करने के लिए एक लाइक एक शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।